Hello friends, welcome to my channel GK Capsule. This is my 20th lecture on English vocabulary from the Hindu newspaper. And if you have not watched my other 19 lectures, please click on this link and watch it. If you like my videos, please subscribe to my channel. And in this lecture, I'm going to teach you 5 words. The first word of our discussion is avert, and the meaning of avert is to prevent something bad from happening. So picture mein dekh sakte ho ki ye jo plane hai crash hone se bach gaya, theek hai? Pilot ne jo hai wo accident ko avert kar diya, means accident hone se bacha liya. To hum isko avert bolenge. Aur synonyms iske kya honge? Avoid, prevent, divert. Antonyms क्या होंगे? Exaggerate, attract, try. Example क्या होगी? The pilot averted the accident. तो pilot जो था उसने accident होने से बचा लिया, means कुछ बुरा होने से बचा लिया, इसीलिए हम इसको avert की situation बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आप avert का meaning समझ सकते हो. The next word of our discussion is frantic. Meaning of frantic is conducted in hurried, excited and disorganized way or in a state of panic. तो आप इन दोनों picture में देख सकते हो कि ये जो दोनों लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में हैं, बहुत हरिडली काम कर रहे हैं एंड बहुत डिसऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, तो हम इनको फ्रेंटिक सिचुएशन में कहेंगे, ठीक है. सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? फ्यूरियस, क्रेजी, रैश. एंटोनिम्स क्या होंगे? काम, क्वाइट, पीसफुल. एग्जाम्पल क्या होगी? व्हेन बिली डिड नॉट कम होम आफ्टर स्कूल, हिज मदर बिकम फ्रेंटिक विद वरी. तो जब बिली जो है वो स्कूल के बाद घर नहीं आया तो उसकी माँ जो थी वो चिंता के कारण बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में चली गई थी. तो यहाँ से फ्रेंटिक का मीनिंग समझ सकते हो. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ अ डिस्कशन इज ऑब्सक्योरिटी. द मीनिंग ऑफ ऑब्सक्योरिटी इज स्टेट ऑफ नॉट बींग नोन टू मैनी पीपल और स्टेट ऑफ बींग नॉट क्लियर एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इसीलिए हम इस सिचुएशन को ऑब्सक्योरिटी की सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट नोन टू एनीवन, तो इस सिचुएशन को भी हम ऑब्सक्योरिटी की सिचुएशन बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्सक्योरिटी के दो मीनिंग होते हैं, स्टेट ऑफ नॉट बींग नोन टू मैनी पीपल और स्टेट ऑफ बींग नॉट क्लियर एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है. सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी, एम्बिग्यूटी. एंटोनिम्स क्या होंगे? क्लैरिटी, प्रोमिनेंस, इजी. एग्जाम्पल क्या होगी? आफ्टर डिसअपेयरिंग इन टू ऑब्सक्योरिटी फॉर 10 ईयर्स द सिंगर इज नाउ रेडी टू रिलीज अ न्यू एल्बम. तो सिंगर जो था वो पहले 10 सालों के लिए ऑब्सक्योरिटी में चला गया, मीन्स ऐसी स्टेट में चला गया जहाँ पे उसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, एंड आफ्टर दैट उसने उस 10 सालों में वहाँ काम किया एंड देन एकदम से आके अपनी एल्बम को रिलीज़ कर दिया. कभी भी कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में चला जाए तो हम उसको ऑब्सक्योरिटी की सिचुएशन बोलेंगे, ठीक है. और या तो इन जो कोई भी बंदा है, ठीक है, वो कोई चीज़ को समझ ना पाए, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो हम उसको भी ऑब्सक्योरिटी की सिचुएशन बोलेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ अ डिस्कशन इज सैक्रिलेज. द मीनिंग ऑफ सैक्रिलेज इज वॉयलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिकॉर्डेड एज सैक्रेड, ठीक है. तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये भगवान की जो पिक्चर है इसको कोका कोला जो है वो अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर रही है, तो आप देख सकते हैं कैसे मिसयूज़ हो रहा है इस पिक्चर का, ठीक है. तो कभी भी कोई भी पिक्चर का अगर मिसयूज़ हो या डिसरिस्पेक्ट हो कोई भी रिलीजियस पिक्चर की तो हम उसको सैक्रिलेज बोलेंगे, ठीक है. तो आप पिक्चर में नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि ये होली बुक है, ठीक है. अगर इस होली बुक को भी जलाया जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसको भी हम सैक्रिलेज की सिचुएशन बोलेंगे. वाई? बिकॉज इस होली बुक को जलाने से या इसके जो है वो इसको नीचे फेंकने से कहीं पर इसकी डिसरिस्पेक्ट होगी और या तो इसका मिसयूज़ होगा या इसकी वॉयलेशन होगी, ठीक है, किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट होगी, तो हम उसको सैक्रिलेज की सिचुएशन कहेंगे. सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिसरिस्पेक्ट, डिस्क्रेस, एब्यूज. एंटोनिम्स क्या होंगे? रिस्पेक्ट, ऑनर, होमेज. एग्जांपल क्या होगी? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर वेयरिंग अ हैट इनसाइड द टेंपल इज एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज. तो स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंगली अगर आप हैट जो है वो टेंपल के अंदर पहनोगे तो वो जो है वो एक एक्ट ऑफ सैक्रिलेज होगा, मीन्स वो उस टेंपल की मिसयूज होगा, उस टेंपल की वॉयलेशन होगी, उस टेंपल का डिसरिस्पेक्ट होगा या टेंपल के अंदर जो भी गॉड प्रेजेंट है उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब होगा, ठीक है. तो इसीलिए हैट पहनना किसी टेंपल्स में जो है वो अलाउड नहीं होता, तो इससे हम सैक्रिलेज का मीनिंग समझ सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ डिस्कशन इज पॉइगनेंट. द मीनिंग ऑफ पॉइगनेंट इज causing or having a very sharp feeling of sadness, ठीक है. तो आप देख सकते हो that this lady is missing her husband and she is very sad, तो हम इसको poignant situation में कह सकते हैं, ठीक है. synonyms क्या होंगे इसके? emotional, sad, heart touching. antonyms क्या होंगे? happy, cheerful, calm. एग्जाम्पल क्या होगी? सिंस हर हस्बैंड्स डेथ लुकिंग एट हिज पिक्चर हैज़ बिकम अ वेरी पॉइनियंट एक्सपीरियंस फॉर हर. तो सिंस उसके जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो बार बार उसकी पिक्चर की तरफ देखना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉइनियंट एक्सपीरियंस है, मीन्स बहुत ज़्यादा सैड एक्सपीरियंस है, बहुत दुख भरा एक्सपीरियंस है, ठीक है. तो जब भी आपको पॉइनियंट का मीनिंग समझना हो बस आप दिमाग में रखिए कोई इंसान जो है बहुत दुखी है, ठीक है, तो उससे जो है वो पॉइंट का मीनिंग आप समझ सकते हो. सो फ्रेंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट सून. टुमारो आई विल मीट यू अगेन विद 5 मोर वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. तब तक के लिए थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.